बिहार के नवादा में दबंगों पर दलित बस्ती जलाने का आरोप, भूमाफिया ने जलाए 21 दलितों के घर। नवादा में आगजनी मामले में 10 लोगों के पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई आगजनी की घटना। नवादा SDPO के अनुसार उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग, घटना में कोई हताहत नहीं। घरों में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया हमला। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट, लिखा उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर, पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। जम्मू कश्मीर पहले चरण की वोटिंग के बाद आज पीएम मोदी की मेगा रैली श्रीनगर में, दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। कटरा में भी रैली के जरिए भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी के आज के श्रीनगर दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा। श्रीनगर और कटरा में आज पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम। जम्मू और कश्मीर में पहले चरण के मतदान में किश्तवाड़ में रिकॉर्ड 80% से अधिक मतदान। पहले चरण के चुनाव में औसत मतदान प्रतिशत 61% रहा। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। सभी 10 सीटों पर इंचार्ज और पर्यवेक्षक तय किए संविधान सम्मेलन करने का ऐलान। यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा अगर आज सपा होती तो पूरे प्रदेश में दंगे होते। कर्फ्यू लगता, एक देश एक चुनाव पर बीजेपी ने सौंपी राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को जिम्मेदारी। राजनीतिक दलों से करेंगे बात, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च अभियान। गया में JDU की पूर्व MLC मनोरमा देवी के आवास पर पहुंची टीम। तेलंगाना के बीजेपी MLA राजा सिंह पर अगले 3 महीने तक कर्नाटक के बागलकोट आने पर लगाई गई रोक। कर्नाटक सरकार ने लगाई पाबंदी। राजा सिंह ने फैसले को हिंदू विरोधी करार दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उनकी सरकार के समय तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता था। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत बोले, कहते हैं सनातन धर्म के उत्थान का समय आया, हम देख ही रहे हैं इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है। राजस्थान की डिप्टी CM देव्या कुमारी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजस्थान सेवा ऐप किया लॉन्च। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक महाराज प्रद्योत के साथ CM मानिक साहा की बैठक। विभिन्न जनजातियों के विकास के जुड़े मुद्दों पर बातचीत। टिपरा मोथा के सभी विधायक रहे मौजूद। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के बीच बातचीत रही बेनतीजा। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मांगे मानने का दिया आश्वासन, लेकिन लिखित रूप में देने से किया इनकार। बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट जारी रखा। स्वास्थ्य भवन के सामने धरने पर बैठे। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशन की नींव का काम पूरा। बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी। परियोजना के निदेशक प्रमोद शर्मा बोले, देश में बुलेट ट्रेन तकनीक आ गई है, हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ED का एक्शन। देश भर के कई ठिकानों पर ED ने की रेड। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापा। इस मामले में रिटायर्ड IAS मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर रेड। 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। 300 करोड़ रुपए का हुआ था घोटाला। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब कसुमटी मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल। स्थानीय लोगों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए DC को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद गिराने की मांग की। मंडी मस्जिद विवाद में आया एक और मोड़। शिकायतकर्ताओं ने कहा अगर मस्जिद तोड़ी गई तो मुस्लिम पक्ष खुद ना तोड़े, क्योंकि इसके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। बंगाल के बीरभूम में हादसा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने स्पीड बोट से जा रहे DM समेत 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया, तलाश की जा रही। MP के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 लोग घायल। बिहार के सोनपुर मंडल के नारायणपुर में ट्रेन हादसा। मैकेनिकल रेक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। मथुरा में कल रात मालगाड़ी के डिरेल होने के बाद ट्रैक पर दुरुस्त करने का काम जारी। दिल्ली और जयपुर की ओर आने जाने वाली 28 ट्रेनें रद्द या रूट बदले। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नंदी प्रहार। पुलिस ने वांटेड गो तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। राजस्थान के दौसा में कल शाम से बोरवेल में गिरी बच्ची को दिया गया ऑक्सीजन। 35 फीट की गहराई में फंसी है 2.5 साल की बच्ची नीरू। NDRF के सहायक कमांडर योगेश कुमार ने बच्ची के होश में होने की दी जानकारी। कहा बच्ची को निकालने के लिए 31 फुट समानांतर खुदाई का काम पूरा, 5 फुट अप्रोच बनाने का काम जारी। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी।
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ देखा जाने के बाद हड़कंप तेंदुए टास्क फोर्स ने अनाउंसमेंट के साथ साथ तेंदुए की तलाश शुरू की। दिल्ली पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, चीन में एशियन मेन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद पहुंची दिल्ली। दिल्ली पहुंचने पर बोले टीम के कोच क्रेग फुल्टन, एशिया में नंबर एक बनना हमेशा हमारा लक्ष्य रहा, यह जीतने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज। भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से नॉटिंघम में मैच की होगी शुरुआत। बीसीसीआई ने जारी किया गौतम गंभीर और विराट कोहली के इंटरव्यू का वीडियो, पुराने किस्से पर जमकर हंसे विराट गंभीर। मैदान पर लड़ाई के सवाल पर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया मजेदार जवाब, कहा मुझसे ज्यादा मैदान पर तुम लड़ते हो। गंभीर की बात सुनकर विराट को आई हंसी। अफगानिस्तान में रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को वनडे मैच में पहली बार हराया, 6 विकेट से दी शिकस्त। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। तेलंगाना पुलिस में निकट जरीन डीएसपी बने, सरकार ने हैदराबाद में घर बनाने के लिए 600 वर्ग गज जमीन देने का ऐलान किया। एनएडीए ने निलंबित खिलाड़ियों की नई सूची से बजरंग पुनिया का नाम हटाया, 23 जून को एनएडीए ने बजरंग पुनिया को कर दिया था निलंबित।